एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है नॉलेज कैप्सूल्स। सो गाइस, ये पर्टिकुलर लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी को बुद्धि दे, विद्या दे, ज्ञान दे एंड हैप्पी बसंत पंचमी एज वेल। सो जैसा कि हम लोग अभी मैप कर रहे हैं, आपको पता ही है कि हम लोग मैप्स जो टॉपिक है पर्टिकुलरली इसको स्टार्ट किया है अपने चैनल पे, राइट। तो लास्ट लेसन में हमने देखा था, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें जो ये ओशन हैं, पांचों ओशन, सेवन कॉन्टिनेंट्स, इनके बारे में जाना था, राइट। एंड आई टोल्ड यू कि हम अभी जो स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अफ्रीका से, ठीक है। तो ये पूरा अफ्रीका जो है इसको हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो देखेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, सीडीएस, सीएपीएफ, ये सारे जो एग्ज़ाम हो गए, जो और भी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें पूछता है कि इनमें से कौन कंट्री है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, नाइजर जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है या नहीं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, लैंडलॉक्ड कंट्री है या नहीं है। जैसे कि आपसे ये पूछ सकता है कि मोजाम्बिक कहां है, राइट। इसमें से फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अंडर दिस ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में एक्चुअली बहुत ही वर्स्ट अफेक्टेड माने जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं अफ्रीका की, वो आपसे पूछा जा सकता है, राइट। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसीलिए हमें मैप जो है काफ़ी ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मैप रीडिंग, अगर आपको सपोज कि मैप जानना है, पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि गूगल महाराज की जय, गूगल बाबा, आप एक एक करके गूगल करके वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है कि आपका खुद का एक एटलस होना चाहिए, राइट। तो एक एटलस बुक हो जाएगी आपके पास, जैसे कि ऑक्सफर्ड हो गया या फिर ब्लैक स्वान हो गया, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, तो दोनों ही अच्छी है। तो उससे आप पढ़ें, उसमें काफ़ी अच्छे में दिया रहता है, पार्ट वाइज आपको दिया रहेगा, तो यू कैन वेरी इजिली सी एंड मेमोराइज दोज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस ये तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैप्स, ये जो बड़े बड़े मैप्स होते हैं इसको आप वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पेस्ट करने से क्या होगा कि वॉल ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए बेटर है कि आप उसको हैंग कर सकते हैं, राइट। तो या तो आप हैंग कर दीजिए वर्ल्ड मैप और इंडिया की मैप को, दोनों को ही, या तो हैंग कर दीजिए या फिर पेस्ट कर दीजिए, जैसा ही आप, जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि देखिए, विजुअली जब हम किसी चीज़ को बार 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 देखते हैं, राइट, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने देखा और एक झटके में अपनी नज़र फेर ली, ऐसा नहीं है। जैसे कि सपोज़ आपने मैप देखा तो एक झलक देख लिया कि ठीक है ये है अफ्रीका। सपोज़ कि आपने यहाँ लोअर पार्ट देख लिया कि यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं, ये इस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये इस पर्टिकुलर, ये वेस्टर्न साइड में या फिर ये ईस्टर्न साइड में है अफ्रीका के, राइट। तो इस तरीके से देख ली, तो आप बार बार आप देखेंगे तो आपका जो ब्रेन है वहाँ पे वो मैप जो है वो कैप्चर ना प्रिंट हो जाएगा आपके ब्रेन में, राइट। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विजुअली आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा, ओके। तो ये एक चीज़ करना, ये जो कुछ चीज़ें हैं करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर थिंग यू शुड डू इज़ दैट मैप्स, फिजिकल मैप, आपको, आप लोगों ने स्कूल में यूज़ किए होंगे मानचित्र में लेकर के आने के लिए, टीचर्स बोलते थे मानचित्र लेकर के आना, मैप लेकर के आना, हम इसमें मार्किंग करेंगे कौन सी प्लेसेस कहाँ पे है, राइट। तो वो वाले जो मैप्स हैं खरीद करके, वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल, राइट, वैसे ही इंडिया का फिजिकल एंड इंडिया पॉलिटिकल लेकर के आप उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको मार्क करिए। लेकिन सबका डिफरेंट करिए। जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने माउंटेन्स का किया, ठीक है, तो सारे माउंटेन्स को ऐसे ऐसे मार्क कर लिए कि ये माउंटेन्स यहाँ पर है, राइट। तो इस तरीके से यू कैन एक्चुअली डू दिस, राइट। यहीं पे आपने नेम भी लिख लिए इन लोगों के, ये जो माउंटेन्स हैं इनके नेम भी लिख लिए, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक वर्ल्ड के पूरे माउंटेन्स का मैप बन गया। उसके नेक्स्ट आप दूसरे मैप में क्या कर सकते हैं, इंडिया का मैप लिया आपने, फिजिकल मैप,
इंडिया का लिया और वहाँ पे आपने मार्क कर दिए, वहाँ पे आपने मार्क कर दिया कि ठीक है ये हिमालयन रेंजेस हैं, ये लोअर है हिमालय, ये अपर में हिमालय, ये शिवालिक रेंजेस हैं एंड ऑल, ओके। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपको वो एक जगह पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे, तो कुछ मैप्स बन जाएंगे, 10-15 मैप बन गए, डिपेंड्स, रिसोर्सेज के मैप्स बना लिए, फॉरेस्ट के मैप्स बना लिए, इस हिसाब से बना लिया, तो आपके पास एक जगह पे सारे मैप्स हो जाएंगे। तो आपको बस यही करना है कि हर एक दो दिन में उसको बस रेफर करते रहिए, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत ही ईजिली, ओके। चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मैप, दैट इज़ अफ्रीका। तो ये अफ्रीका है, मैं ये आपको गूगल से ही डायरेक्टली पढ़ा ले रही हूँ, वहीं से ही मैप लेकर के, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अफ्रीका है, ठीक है। तो ये अफ्रीका को एक एक करके देखेंगे, सारी कंट्रीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी। सी मेडिटेरेनियन सी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बिजी सी है, क्योंकि यूरोप की तरफ से कोई भी ट्रेडिंग करना होता है तो वो यहाँ से ये गिब्राल्टर से हो करके मेडिटेरेनियन से पास होकर के शूज कैनाल से होकर के यहाँ से फिर एशियन कंट्री एशिया में आता है, ठीक है। या फिर एशिया से अगर जाना होता है तो वो भी यहाँ ये शॉर्टेस्ट वे है, एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट। अगर सपोज कि यूरोप से ट्रेड करना है या फिर यूरोप मतलब ट्रेडिंग करनी है, दोनों आपस में कर रहे हैं कंट्रीज़ को, तो अगर ये लंबा रूट पूरा अफ्रीका को ऐसे कवर करते आएगा तो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा। यहीं से ही आने में, पूरा अफ्रीका ऐसे क्रॉस करके आने में ऑलमोस्ट 1 month लग जाता है, ओके। सो इट इज़ रियली वेरी लॉन्ग रूट, वेरी लॉन्ग रूट, राइट। तो ये जो है ये शॉर्टर रूट है, ठीक है। तो जब भी ये शूज कैनाल बना था उसके बाद से ये शॉर्टर रूट बन गया, एंड इट इज़ रियली वेरी बिजी वन ऑल्सो, ओके। तो हम और भी चीज़ें जानेंगे इन सब चीज़ के बारे में, बट स्लोली स्लोली, बट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो है लेसन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ओके। सो ये है हमारा गिब्राल्टर स्ट्रेट, स्ट्रेट, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, यहाँ से जैसे कि एज अ टोल्ड यू शिप्स जाती हैं ट्रेडिंग पर्पस से। ये मोरक्को है यहाँ पे, ओके। ये मोरक्को हो गया, ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ओके। सो ये सारी कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर जो है शेयर करती है, ओके। तो यू कैन वेरी ईजली एक्चुअली रिमेंबर इट एज ए टी, सॉरी ट्यूनीशिया टी, लीबिया एल एंड इजिप्ट ई, ओके। तो इसको बहुत ही आराम से एटलस करके भी आप इसको याद कर सकते हैं, एंड यहाँ पे सूडान ले लिया तो एटलस हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एरिटेरिया, ये एरिटेरिया देखो, इजिप्ट जो इजिप्ट, सूडान, एरिटेरिया, राइट, एंड जबूती, ये देख सकते हैं आप, ये रेड सी से अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं। डू रिमेंबर इजिप्ट, सूडान, एरिटेरिया, इथियोपिया, जबूती, जबूती का जो कैपिटल है दैट इज ऑल्सो जबूती, ओके, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पे, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, ये हो गया सोमालिया, राइट। अब हम पहले कोस्टल एरिया देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग लैंडलॉक्ड एरिया भी देखेंगे, लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो है वो देखेंगे। अब यहाँ पे सोमालिया, सोमालिया जो है ये बहुत ही हाईली पायरेटेड एरिया है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पायरेसी होती है। यहाँ से जब भी शिप्स, जो भी ट्रेडिंग वाली जो शिप्स होती हैं, कोई भी शिप्स जब जाती हैं तो वो बहुत ही केयरफुल तरीके से जाते हैं, बिकॉज इनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि ऐसे हथियार हैं इनके पास एक्चुअली, जो कि शिप को पूरी तरीके से उड़ा देगा, फिनिश कर देगा, ऐसा होता है, राइट। तो ये पायरेसी वाला एरिया है जो कि शिप को कैप्चर कर लेते हैं वो लोग, पहले तो क्या करेंगे, शिप का पीछा करेंगे, ठीक है। शिप का पीछा किया, उसके बाद वो अगर शिप में जो भी हैं वो अपने आप को सेव नहीं कर पाते हैं किसी भी तरीके से, तो अगर उन्होंने जो पायरेट्स हैं उन्होंने उसको कब्जा कर लिया, उसको पकड़ लिया, देन व्हाट विल हैपन दैट वो उनको पकड़ के रखेंगे, देन दे विल डिमांड रैंसम,
वो मांगते हैं पैसे उनकी कंट्री से कि आप हमको इतना पैसे दीजिए तब हम इनको छोड़ेंगे, राइट। तो ये पायरेटेड, ये वाले पायरेसी वाला, हाईली पायरेसी वाला एरिया बहुत ही खतरनाक एरिया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से लोगों को जाना होता है जो भी शिप होते हैं। देन हियर यू कैन सी दिस इज केनिया, राइट, दिस इज तंजानिया, यहीं पे आप इसके साइड में देख सकते हैं बुरुंडी इज़ देयर एंड रवांडा। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में काफ़ी टाइम आपने इन सारे नेम के, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में जाना होगा। देखिए बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ये। नेक्स्ट कम्स हियर मोजाम्बिक, ये हो गया मोजाम्बिक, ओके। हियर यू कैन सी मलावी, दिस इज़ मेडगास्कर, यहीं पे ही आप मॉरिशस देख सकते हैं, शेचल्स देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जो कि फ्रांस के अंडर हैं अभी भी, राइट। ये मोजाम्बिक हो गया, दिस इज जिम्बाब्वे, हियर यू कैन सी स्वाजीलैंड, वेरी स्मॉल कंट्री, दिस इज स्वाजीलैंड, दिस इज लिजोथो, ओके, दिस स्मॉल कंट्री, दिस इज लिजोथो, दिस इज साउथ अफ्रीका। देन कम्स नामीबिया, अंगोला हियर, ठीक है, ये भी अंगोला का ही पार्ट है छोटा सा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे देखिए कि छोटा सा इसका पार्ट जो है वो सी को, ये जो ओशन है यहाँ पे इसको टच कर रहा है, मतलब वाटर बॉडी को यहाँ से ये टच कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है जो कि टच कर रहा है ओशन से। हियर यू कैन सी दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज डेमोक्रेटिक एंड दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ओके। नेक्स्ट कम्स दी गिबोन, दिस इज हियर यू कैन सी गिबोन, राइट, ये वाला और ये वाला एरिया इक्वेटोरियल गुइनिया, हियर कम्स कैमरून, देन नाइजीरिया, नाइजीरिया इज हियर एंड नाइजर, दोनों अलग अलग हैं, कन्फ्यूज मत होना, नाइजर नाइजीरिया अलग अलग हैं, राइट। हियर कम्स दी बेनिन, दिस इज बेनिन, दिस इज टोगो, ये जो है ये स्किन कलर का जो है, दिस इज टोगो, दिस इज बेनिन, ओके। हियर यू कैन सी घाना, ये है, दिस इज कोट डिवोर, ये फ्रांस के अंडर था तो नेम भी वैसा ही है, कोट डिवोर, दिस इज लिबेरिया, दिस इज सियरा लियोन, गुइनिया, ओके, गुइनिया बिसाऊ, दिस इज सेनेगल, ये छोटा सा जो है दिस इज गाम्बिया, द गाम्बिया, ओके, दिस इज मॉरिटेनिया, राइट। हियर कम्स दी वेस्टर्न सहारा, सी वेस्टर्न सहारा जो है ये डिस्प्यूटेड है, इसको कुछ कंट्रीज जो है रिकग्नाइज करती हैं कुछ नहीं, बेसिकली इसलिए क्योंकि ये है डिस्प्यूटेड है एक्चुअली, ओके। इसका जो 80% पोर्शन है, ये वेस्टर्न सहारा का जो 80% पोर्शन है वो मोरक्को ने इसको कब्जा कर रखा है, इसकी जो टेरिटरी है वो ऑक्यूपाई कर रखी है मोरक्को ने, ओके, 80% वेस्टर्न सहारा का, और जो 20% एरिया है वो कैप्चर किया गया हो या फिर आप कह सकते हैं अंडर है अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के, ओके, कौन, सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंडर है 20% एंड 80% एरिया मोरक्को ने कैप्चर एक्चुअली करके रखा हुआ है, ओके। ये कैनरी आइलैंड्स, ये स्पेन का है, राइट, वो स्पेन का चला जाता है, ओके। तो अब हम थोड़ा लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो हैं अंदर अंदर की जो कंट्रीज, अब उनको देख लेते हैं। दिस इज माली, अब माली जो है वो अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है ये देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है। तो माली बॉर्डर शेयर करती है गुइनिया, सेनेगल, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, ओके। तो ये भी एक कंट्री हमने देख लिया, बुर्किना फासो, दिस इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड कंट्री, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ओके। बेनिन के बारे में एक मैं चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपने अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी तो वुडू रिलीजन जो है वो यहाँ से आया है, वुडू रिलीजन, ठीक है। तो ये जो वुडू रिलीजन आप देखें, ये मतलब जादू टोने टाइप वाली है, आप देखते होंगे कि काफ़ी टाइम ऐसे, तो ये गुड़िया है, गुड़िया में काफ़ी सारे पिंस घोपे हुए हैं, कहीं 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 उसमें लगाया हुआ है, राइट, वो तो जादू टोने वाले टाइप की जो चीज़ है वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो किया जाता है बेनिन में, वुडू रिलीजन, ओके। देन कम्स हियर नाइजर, नाइजर के जो, नाइजर इज़ ऑल्सो लैंडलॉक्ड कंट्री, इसके जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, लिबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया एंड शट,
राइट. केमरून इज नॉट देयर, केमरून का बॉर्डर काफ़ी पीछे है. हियर कम्स दी शैड और शड, देन सूडान इज हियर. ओके, सूडान एंड साउथ सूडान ये भी रिसेंटली ही फॉर्म हुए हैं ये कंट्री. ओके, सेपरेट हुए थे. देन हियर कम्स दी इथियोपिया. रिमेंबर इथियोपिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. इसके आसपास कौन कौन सा है? एरिटेरिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, युगांडा, साउथ सूडान. ओके, एंड हियर ऑल्सो सूडान, ऑल्सो सूडान, साउथ सूडान दोनों ही इसके साथ टच करती हैं. हियर कम्स दी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. देन ये तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो भी हो गया. ये अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है ये शेयर करती है अपनी बॉर्डर सूडान, शड, कैमरून, दिस रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साउथ सूडान. ओके, हियर कम्स दिस रवांडा, बुरुंडी, वी आर डन विद दिस. देन युगांडा, दिस इज युगांडा. जाम्बिया इज ओवर हियर, दिस इज जिम्बाब्वे एंड बोट्सवाना. जिम्बाब्वे इम्पॉर्टेंट, जाम्बिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये इसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हैं. और ये नामीबिया के साथ भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, जस्ट फॉर मतलब अफगानिस्तान जैसे, इंडिया का भी ऐसे ही है ना अफगानिस्तान के साथ, जस्ट लाइक दैट ओनली. हियर कम्स दी जाम्बिया. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर जो है यहाँ पे, ये रिफ्ट वैली, अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली. देखिए ये टेक्टोनिक प्लेट्स का एक्चुअली कमाल है. एंड दिस इज बीइंग सेड कि काफ़ी सालों बाद क्या होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक्चुअली भी मूव कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये अफ्रीका का जो प्लेट है इट इज़ गोइंग टू बी सेपरेटेड. हियर यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी सेपरेटेड, राइट. तो ये आप देख सकते हैं कि सेपरेट हो जाएगा. तो ये सेपरेट हो जाएगा तो ये दूसरा एक लैंडमास बन जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट लैंडमास. ओके, तो ये पार्ट जो है ये एक्चुअली सेपरेट हो जाएगा अफ्रीका से. ओके, अब ये रिफ्ट जो है ये फिलहाल तो खाई जैसा है. स्लोली स्लोली क्या होगा कि इसमें बीच में पानी भर जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ सी. एंड अगर बहुत ज़्यादा स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके बीच में क्या, स्लोली स्लोली, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बिकम अनदर काइंड ऑफ ओशन. बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर. ये भी कोई बहुत जल्दी नहीं होने वाला है. दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू टेक सम टाइम. ओके, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू टेक टाइम. सो दिस इज समथिंग विच इज वी विल बी स्टार्टिंग अंडर टेक्टोनिक प्लेट्स. जब मैं टेक्टोनिक प्लेट्स ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगी, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग. नाउ अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज दी स्लेव, स्लेवरी थिंग. ओके, एक्चुअली क्या है ना कि अफ्रीका में स्लेव का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. सीन आई मीन टू से कि स्लेवरी अभी भी है, मॉडर्न डे स्लेवरी. देखिए दिस इज समथिंग विच इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में है. लेकिन उसके अलावा ये जो है अफ्रीका में काफ़ी हाई लेवल पे है स्लेवरी. यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरिटेरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है. एस्टिमेटेड प्रिवलेंस जो कि स्लेवरी में एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टिमेटेड एब्सोल्यूट नंबर ऑफ विक्टिम्स, इतने में से इतने, सॉरी टोटल पॉपुलेशन इतना है जिसमें से इतने लोग जो हैं वो विक्टिम हैं इसके, स्लेवरी में. ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स से ये डेटा जो वहीं का, मतलब उन्हीं की वेबसाइट पे ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ. एरिटेरिया सबसे ज़्यादा है, देन बुरुंडी, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मॉरिटेनिया, साउथ सूडान, सोमालिया. देखिए अभी जब मैं ये इन सारे कंट्रीज़ का नेम ले रही हूँ तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कॉन्गो कौन से जगह पे आ रहा है, सूडान कहाँ है, शैड कहाँ है, और शैड जो भी इसको बोलते हैं, देन रवांडा, स्वाजीलैंड, कॉन्गो. आपको ये चीज़ ना दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ ये कहाँ पे हैं, ठीक है, ये कंट्रीज सब कहाँ पे हैं, यू शुड नो. ओके, क्योंकि जब भी आप ये नेम कभी भी कहीं पे भी आप सुने तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ओके, ये दिस पर्टी, ये जो कंट्री है दिस पर्टिकुलर एरिया में आती है अफ्रीका के मैप पे. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हाईली ये एक्चुअली इम्पैक्टेड है स्लेवरी से. ये देखिए कि जो जितना ये यहाँ से हाई है, लो लेवल से लेके हाई लेवल पे, ये साउथ अफ्रीका यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है. ओके, लेकिन स्लोली स्लोली अब बीच में देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है. अब ये स्लेवरी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो पॉपुलेशन हो काफ़ी पुअर है. तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब भी, जैसे कि शिप, मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसमें मर्चेंट नेवी में है, सो आई नो अबाउट दिस थिंग, कि ही टोल्ड मी कि
जो शिप्स वहाँ पे जाती हैं ट्रेडिंग के पर्पस से. ओके, अभी रिसेंटली ही वॉज देयर इन डकार. ओके, तो ये देखिए सेनेगल का कैपिटल डकार, राइट. तो वहाँ पे थे, तो ही सेड दैट कि बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल तरीके से रहना होता है, अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हाइट मतलब शिप पे देखते हैं कि जहाँ पे भी थोड़ी सी लापरवाही करी शिप पे जितने भी लोग हैं वो जाकर के शिप में कहीं पे जाकर के छुप जाएंगे. ओके, व्हाई? सो दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम अफ्रीका, दे कैन मूव ऑन टू समवेयर एल्स. ओके, दूसरी जगह पे जा सकते हैं. आपने काफ़ी टाइम न्यूज़ में भी सुना होगा कि इतने लोगों को ले जा रही थी एक जहाज लेकर के जा रही थी, छोटी सी शिप होती है उसी पे बहुत सारे लोग लद के चले जाते हैं एंड वो डूब जाते हैं. ओके, व्हाई दे आर टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क? दे आर टेकिंग दिस रिस्क बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू लिव ओवर हियर. ये नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पे. स्लेवरी है, पुअर हैं लोग, खाने को नहीं मिलता है, ढंग से नहीं जिंदगी अपनी जो है वो जी पा रहे हैं. ओके, तो इसलिए दे वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस एरिया, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत ही डार्क रीजन्स हैं, ये स्लेवरी से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं. अब यहाँ पे फोर्स्ड मैरिज परसेंटेज जो है 63%, 100 में से 63 लोग जो हैं मतलब उनको फोर्सफुली मैरिज उनका करा दिया जाता है. ओके, वल्नरेबिलिटी स्कोर कितनी है? 100 में से 62. इट इज़ टू मच, बहुत ही ज़्यादा है. गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इज़ वेरी पुअर. ओके, इट इज़ वेरी पुअर, इट इज़ नॉट गुड. सी यहाँ पे इनका है बहुत ही पुअर है. एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल इन मॉडर्न स्लेवरी दिस मच. ओके, मोर देन 9 मिलियन, बहुत ही ज़्यादा है ये. ग्लोबल प्रपोर्शन ऑफ ग्लोबल एस्टिमेट 23%, फोर्स लेबर में 37%. ये इनका सिचुएशन है अफ्रीकन कंट्रीज़ का. ओके, राइट. सो दिस इज समथिंग विच वी डिड अबाउट दी अफ्रीका. आई होप यू गाइज लाइक इट. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट. If you feel that it was really very helpful, and apart from that, do subscribe the channel and like also, right? So guys, see you in the very next class. Bye bye. Next lecture में अब हम लोग मिलते हैं. Bye bye.